सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आज का वीडियो होने वाला है भाई हिंदी डब स्पेशल, जहाँ पे हम लोग मल्टीपल लाइक OTT एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म की बात करेंगे, जिनके ऊपर आप लोग को आने वाले लाइक 1 से 2 महीने के अंदर जो हिंदी डब कंटेंट है वो देखने को मिल सकता है। कौन कौन से शोज लाइक ऑलमोस्ट कन्फर्म हो गए हैं, किन के अभी रूमर्स आ रहे हैं, सब कुछ आप लोग को बताएंगे। तो वॉच वीडियो टिल द एंड। एंड अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे देन इसको लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर सपोर्ट। तो चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो देखो भैया, सबसे पहले अगर हम लोग बात कर लें जी कैफे की, बिकॉज इनके जो भी हिंदी डब के शोज आते हैं वो आप लोग को टेलीविजन पर देखने को मिलते हैं। एग्जांपल ब्रेकिंग बैड का आप लोग ले सकते हो, जो कि जी कैफे के ऊपर काफी अच्छी तरीके से स्ट्रीम हुआ एंड आप लोग को उसका हिंदी वर्जन देखने को मिल गया। अब इसी को सक्सेस को लेते हुए भाई ये लोग एक दूसरा शो भी हिंदी में लेकर आ रहे हैं, जिसका नाम है बेटर कॉल सोल। इसका हिंट जी कैफे ने अपने लाइक इंस्टा पेज पर देना स्टार्ट कर दिया, जिस तरीके से उन्होंने ब्रेकिंग बैड के हिंट अपने फैंस लोग को दिए थे। एंड बताया जा रहा है कि ये जो शो है वो आप लोग को लाइक मार्च के एंड तक जी कैफे के ऊपर स्ट्रीम होता हुआ देखने को मिल सकता है। अब देखो, इस शो को शायद इंडिया के अंदर ज्यादा लोगों ने ना देखा हो, बट ये काफी तगड़ा शो है। इसकी IMDb रेटिंग आप लोग को 9 की देखने को मिलती है एंड टोटल 6 सीजन है इस सीरीज में। एंड इसको 6 लाख से ज्यादा लोगों ने तो IMDb के ऊपर रेट ही कर रखा है। तो मतलब कि जी कैफे भी काफी तगड़े शोज चुन रहा है हिंदी डब में रिलीज करने के लिए। अब अगर मूव करें जियो सिनेमा के ऊपर, तो देखो भैया जियो सिनेमा के हिंदी डब की तरफ से जितनी कंफर्मेशन प्लस रूमर्स आई हैं उनके अकॉर्डिंग बताया तो यही जा रहा है कि जो नया लॉट आप लोग को हिंदी डब का देखने को मिलेगा उसके अंदर के ड्रामा की आप लोग को जो तादाद है थोड़ी ज्यादा देखने को मिल सकती है, क्योंकि आप लोग को बताया कि इंडिया के अंदर लोग अभी घंटली के ड्रामा को हिंदी में देखना पसंद कर रहे हैं एंड जियो सिनेमा पे आप लोग को के ड्रामा ही ज्यादा हिंदी में देखने को नहीं मिलते हैं। तो बताया जा रहा है कि नेक्स्ट लॉट में आप लोग को 4 से 5 जो कोरियन ड्रामा है वो हिंदी में देखने को मिल सकते हैं, जिनके नाम की कंफर्मेशन जैसे मेरे को मिल जाएगी मैं आप लोग को आगे फॉर्म कर दूंगा। अगर बात करें भाई जियो सिनेमा के हॉलीवुड कंटेंट्स की, तो उसके अंदर देखो भाई पीस मेकर तो काफी सारे लोग चाहते हैं कि हिंदी में आना चाहिए एंड पास में रूमर्स आए थे कि ये शो आप लोग को हिंदी में देखने को मिलेगा, तो पीस मेकर तो अलग हो गई। लेकिन इसके अलावा सूट्स, यूफोरिया का भी काफी सारे लोग वेट कर रहे हैं। तो मैं आप लोग को बता दूं कि भाई रूमर्स तो हैं कि भाई 2 से 3 हॉलीवुड के शोज आप लोग को इस नए लॉट के अंदर हिंदी में देखने को मिलेंगे। अब इसके अंदर वेस्टवर्ल्ड का भी नाम हो सकता है, क्योंकि जो सबसे पहला हिंदी डब का पोस्टर आया था वो वेस्टवर्ल्ड का ही लीक हुआ था, बट अभी तक ये शो हिंदी लैंग्वेज में रिलीज नहीं करा गया है। तो अभी करंटली वेस्टवर्ल्ड, सूट्स एंड पीसमेकर के चांसेस बने हुए हैं। यूफोरिया अभी करंटली तो भाई कंफ्यूजन एंड रूमर्स में ही अटका हुआ है, उसके ऊपर मैं अपडेट निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे हमको और अपडेट मिल जाएगी मैं आप लोग को इन्फॉर्म कर दूंगा। जियो सिनेमा की कुछ हॉलीवुड की मूवीज भी अभी लाइक पेंडिंग पड़ी हुई हैं एंड इनके अलावा कुछ उनकी खुद की ओरिजिनल मूवीज भी हैं जो कि अटकी हुई हैं, जिनको रिलीज नहीं करा गया है। तो वो सारा कंटेंट भी आप लोग को आगे देखने को मिलेगा। मे बी जो डील की बात हो रही है, जो मर्जर की बात हो रही है, वो सब जैसे लाइक रिजॉल्व हो जाएगा देन आई थिंक आप लोग को मार्च तक स्मूथली जो चीजें हैं वो रिलीज होती हुई भी देखने को मिल जाएंगी। अब अगर वीडियो के लास्ट में हम लोग क्विकली बात कर लें Apple TV+ की, बिकॉज ये भी भैया लाइक हिंदी डब के अंदर कूद पड़े हैं। तो देखो Apple TV+ है, अभी आप लोग रिसेंट के टाइम में कुछ हिंदी में आए उसकी ज्यादा उम्मीदें मत लगाना। हाँ, बहुत सारे लोग भाई सी सीरीज का वेट कर रहे थे कि वो शायद उनको हिंदी में देखने को मिले, बट एज ऑफ नाउ अभी उसके ऊपर रूमर्स ही बने हुए हैं। इसके अलावा द क्राउडेड रूम, जिसके अंदर टॉम हॉलैंड भैया भी हैं, इस शो का बताया जा रहा है कि हिंदी में आने का चांसेस बना हुआ है। तो इन दोनों शोज के ऊपर जैसे उनको और अपडेट पता चलेगी मैं आप लोग को इन्फॉर्म कर दूंगा। बताया जा रहा है कि Apple TV+ के ऊपर आप लोग को लाइक स्लोली बेसिस पे जो कंटेंट है वो हिंदी में देखने को मिलेगा, क्योंकि जो इनकी हिंदी डबिंग है वो कॉस्टली भी होती है एंड उसमें टाइम भी लगता है। बिकॉज उधर डबिंग स्टूडियो के साथ ही जो डबिंग आर्टिस्ट हैं वो भी भाई काफी ज्यादा हाई लेवल के हैं, जैसे आप लोग को नेटफ्लिक्स की डबिंग सुनने को मिलती है। तो दैट्स व्हाई अभी इधर आप लोग को जो प्रोसेस है वो स्लो ही देखने को मिलेगा। अब देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि क्या भाई जो Apple TV+ है वो अपने नए शोज को लाइक हिंदी में रिलीज करता है या फिर नहीं करता है। सो आगे जो कुछ भी होगा मैं आप लोग को इन्फॉर्म कर दूंगा। अभी करंटली इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा है देन इसको लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं मिलता हूं आप लोग अगले वीडियो में, तब तक लिटिल देन टेक केयर, बाय, पीस ऑफ।